हाय फ्रेंड्स, दीदी विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर वीक पाठशाला पर। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, शायद इस टॉपिक के बारे में हम बहुत सारे जिन्होंने इसको इग्नोर करा, बहुत सारे जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ लिमिटेड बातों पर ध्यान रखकर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम सब जानते हैं वर्ग की पांच प्रकार के फॉर्म्स हम तैयार करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं गो तो सेकंड फॉर्म हम सब जानते हैं वेंट होगी, और अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो गॉन हो जाएगी, और अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूँ तो गोइंग हो जाएगी, और फिफ्थ फॉर्म की बात करूँ तो गोस हो जाएगी। ये सब हम जानते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। वैसे तो कई जगह ये भी नहीं जानते कि वर्ग की फिफ्थ फॉर्म तक होती है, पांच फॉर्म्स होती हैं। कई जगह सोचते हैं कि वर्ग की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ही होती है जबकि पांच होती है। अब हम आज बात करेंगे कि कई ऐसी, आपने भी देखा होगा और बहुत सारे जनों को इस बात के पता भी है कि हमारी जितनी भी वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है वो नॉर्मली हमारे लिए अट्रैक्टिव का भी काम करती है, बट कई ऐसी वर्ब्स होती है दोस्तों जो हमारे लिए एडजेक्टिव का काम नहीं करती। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, वो विश्लेषण होता है, उसे विशेषण कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो किसी के गुण और दोष के बारे में जानकारी दे उसे विशेषण कहते हैं, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे कि ये इस प्रकार की है, ये उस प्रकार की है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो नॉर्मली एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। हमारी नॉर्मली जितनी भी वर्ग की वर्ब्स होती है उनकी जो थर्ड फॉर्म है वो वर्ग की तरह तो काम करती करती है, बट एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी पांच वर्ब्स के बारे में आज बताऊंगा जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होती है और उनका एडजेक्टिव रूप बिल्कुल अलग होता है, वो दो अलग अलग रूपों में यूज में लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं बाइंड। बाइंड मतलब होता है बांधना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बाउंड और उसकी थर्ड फॉर्म होती है बाउंड। बाइंड, बाउंड, बाउंड। लेकिन जो ये बाउंड है ये थर्ड फॉर्म है और आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे मैं एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ कि मुझे बंधी हुई किताबें पसंद है, तो मैंने बोला आई लाइक बाउंड बुक्स, गलत हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा आई लाइक बाउंडन बुक्स। तो जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव नहीं बन सकती, इसका एडजेक्टिव बिल्कुल अलग ही बनाया जाता है, इसका एडजेक्टिव बनता है बाउंडन। तो आई लाइक बाउंडन बुक्स, तो ये ऐसे एग्जाम्पल बनेगा। तो जबकि बाइंड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड बाउंड, थर्ड बाउंड, और एडजेक्टिव रूप इसका क्या बनेगा, बाउंडन। तो आई लाइक बाउंडन बुक्स, जैसे मैंने बोला ये बंधा हुआ है, इट इज बाउंडन, मैं यू नहीं बोल सकता इट इज बाउंड, इट इज बाउंडन। तो इस तरह से हमें ये पहली वर्ब पता चली जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेगी, इसका एडजेक्टिव रूप अलग ही बनेगा। ये नॉर्मली वीडियो के एडवांस लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लर्नर को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो एडवांस इंग्लिश पढ़ना पसंद करता है उसको ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं बांधने को यूज करना चाहता हूँ कि यह बंधा हुआ है, तो मैं यू नहीं बोल सकता इट इज बाउंड, तो यहाँ पर यह मुझे बोलना पड़ेगा इट इज बाउंडन, वो गलत माना जाएगा ग्रामेटिकली। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगली वर्ड की तरफ। अगली वर्ब ऐसी कौन सी है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ग्रामर में एडजेक्टिव का काम नहीं करती, वो थर्ड फॉर्म की तरह काम करती है और उसका एडजेक्टिव बिल्कुल अलग ही हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली वाली। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगली वाली पर। अगली वाली हमारी है वर्ब ड्रिंक, मतलब पीना। सेकंड फॉर्म हो गई ड्रैंक और थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक। अब जैसे मैंने बोला कि तुम पिए हुए हो, यू आर ड्रंक नहीं, यू आर ड्रंकन। यहाँ पर ड्रंकन एडजेक्टिव बनेगा, ड्रंक एडजेक्टिव नहीं बन सकता। अब जैसे मैंने बोला कि वह पिया हुआ है, he is drunken, he is drunk नहीं, he is drunk गलत हो जाएगा, he is drunken। तो ये ऐसी वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करेगी, इसकी थर्ड फॉर्म का काम करेगी जबकि एडजेक्टिव ड्रंकन काम करेगी। जैसे मैंने बोला कि तुमने दारू पी ली है, यू हैव drunk wine। तुम पिए हुए हो, यू आर drunken। अब मैं drunk नहीं बोल सकता, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकता। तो ये दो वर्ब थी जिसमें आपने देखा कि एक वाइन और एक ड्रिंक, कि ये इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही है, वो वर्ब का काम कर रही है, इसके एडजेक्टिव दोनों बिल्कुल अलग होते हैं।
अब हम चलते हैं अगली वाली पर, तीसरी वाली। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है श्रिंक। आज मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो इस बात पर नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रोल निभा रही है। फर्स्ट सेकंड फॉर्म तो सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो दोस्तों, इसकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड ये होती है। आज हमारा रोल है थर्ड फॉर्म वर्सेस अट्रैक्टिव। ग्रामर ये कहती है कि हर वर्ब की थर्ड फॉर्म अट्रैक्टिव का काम कर जाती है, बट ये हर जगह बात लागू नहीं होती। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अट्रैक्टिव का काम नहीं करती, उनके लिए अट्रैक्टिव की थर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है और अट्रैक्टिव रूप उनका अलग होता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अट्रैक्टिव क्या होता है, ये हम जान चुके हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल जानकारी दे, उसके गुण और दोषों के बारे में बताए, वो अट्रैक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या हर वर्ब की थर्ड फॉर्म अट्रैक्टिव का रूप निभाती है या नहीं है। तो हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया श्रिंक, सेकंड फॉर्म होती है श्रंक, सेकंड फॉर्म होती है श्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है श्रंक। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिसमें मैं श्रिंक बोलूंगा बट उसमें मैं थर्ड फॉर्म यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला कि यह सुखड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इट इज श्रंक, गलत हो गया, मुझे बोलना पड़ेगा इट इज श्रंकन। श्रिंक की थर्ड फॉर्म अलग है और एडजेक्टिव रूप उसका अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो इट इज श्रंकन, मुझे सुखड़े हुए कपड़े पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक श्रंकन क्लोथ, मैं ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मैं श्रिंक की थर्ड फॉर्म को वर्ब की तरह यूज करना चाहता हूं तो कैसे बोलूंगा एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला मैंने इस पेपर को नहीं सुखेड़ा है, आई हैव नॉट श्रंक दिस पेपर, आई हैव नॉट श्रंक दिस पेपर, ऐसे बन गया एग्जाम्पल मेरा। तो दोस्तों, जो श्रिंक की थर्ड फॉर्म में श्रंक वो वर्ब की तरह काम कर रही है, हम ये कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना लेती है, बढ़िया नहीं हो गई नियम लागू। तो ये तीन वर्ब हमने पढ़ी बाइंड, डिंक और श्रिंक, इनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रही है, इनका एडजेक्टिव रूप बिल्कुल अलग हो गया और इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गई। अब चलते हैं अपने चौथे वाले पर कि फोर्थ वर्ब ऐसी कौन सी है जिसका एडजेक्टिव रूप अलग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रूप अलग है। आज की लड़ाई चैप्टर की वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्सेस एडजेक्टिव है, क्या हर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना लेती है या नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि वो पांच वर्ब है जिसमें हमने तीन पढ़ लिए कि ऐसा नहीं होता, कुछ पर ऐसा होता कुछ पर नहीं भी होता। अब पढ़ते हैं फोर्थ वन कौन सी है। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ वन पर। फोर्थ है हमारी सिंक, मतलब डूबना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है सिंक, सैंक, संक, डूबना इसका मतलब है। अब हम ये देखते हैं क्या संक जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। जैसे मैंने बोला कि यह पेपर डूबा हुआ है, दिस पेपर इज संक, गलत हो जाएगा, दिस पेपर इज संक नहीं बन सकता। अब मैं बोलना पड़ेगा दिस पेपर इज संकन, संकन, हम इसको संक में यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्म होती है सिंक, सेकेंड होती है सैंक, थर्ड होती है संक। अब हमें इसके लिए एक नया बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव रूप इसका संकर। हाँ, वर्ब की तरह यूज करना चाहते, देखो जैसे मैं डूब गया हूं, आई हैव संक, ठीक है ये सेंटेंस। मैं स्विमिंग पूल में डूब गया हूं, आई हैव संक इन स्विमिंग पूल, यहां तक तो ठीक है ये सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि मैं डूबा हुआ हूं, आई एम संकन, अब मुझे संक यूज नहीं कर सकता, मैं संकन बोलूंगा। तो इससे मुझे ये पता चला इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग रूप है और एडजेक्टिव रूप बिल्कुल अलग है। ये बेसिक लर्नर्स को शायद कम समझ में आए, बट एडवांस लर्नर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा एडजेक्टिव रूप मानते हैं, बट कई जगह पर यह नियम लागू नहीं होता, जिसमें से हमने फोर्थ वर्ब जानी जिस पर यह नियम लागू नहीं होता, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग ही बनती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लास्ट वन फिफ्थ वाले कि पांचवी वर्ब ऐसी कौन सी है जिस पर भी ये नियम लागू नहीं होता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग है और एडजेक्टिव बिल्कुल अलग है। देखते हैं तो अब हम लेते हैं अपनी लास्ट वन फिफ्थ वन क्लीव। क्लीव मींस होता है फाड़ना। अब मैंने इस पेपर को फाड़ा है, पहले मैं आपको इसकी तीनों फॉर्म सुना देता हूं, क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट। मैंने इस पेपर को फाड़ा है, आई हैव क्लेफ्ट दिस पेपर, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस।
लेकिन अगर मैं बोलता यह पेपर फटा हुआ है, दिस इज क्लेफ्ट पेपर, गलत हो गया। अब मुझे इसके लिए एडजेक्टिव रूप अलग बनाना पड़ेगा, दिस इज क्लोवन पेपर, ये फटा हुआ पेपर है, तो दिस इज क्लोवन पेपर, यह फटे हुए कपड़े हैं, दिस इज क्लोवन क्लोथ, यह फटा हुआ कपड़ा है, दिस इज क्लोवन क्लोथ। तो क्लोवन इसकी एडजेक्टिव रूप है, जबकि क्लेफ्ट इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म रूप है। तो दोनों दोस्तों अलग अलग चीज है, थर्ड फॉर्म अलग रूप है जो वर्ब की तरह काम कर रही है, और एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसमें सेंटेंस में भी आपको मैंने यूज करके दिखाया। बाकी मैं इसके एग्जांपल आपको वीडियो के बीच में दूंगा, इस लेसन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपको वर्ब और एडजेक्टिव को लेकर अगर डिफरेंस नहीं पता, आपको लगता है वर्ब भैया क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ब क्रिया कार्य या काम, वो हो गए आपके वर्ब, और एडजेक्टिव मतलब जो गुण दोष और नाउन प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। वो कह सकते हैं कोई काम नहीं करे, कोई क्रिया नहीं करे, मैंने बोला पेपर फटा हुआ है तो इसमें कोई कार्य थोड़ी ना करा है, पर मैंने बोला मैंने पेपर फाड़ा है इसमें मैंने कार्य करा है, तो मैंने बोला आई हैव क्लेफ्ट दिस पेपर, तो या तो ये क्लेफ्ट वर्ब बना। पेपर फटा हुआ है इसमें कोई कार्य नहीं, पेपर तो फटा हुआ ही है, मैं तो उसकी दशा बता रहा हूँ कि पेपर इस टाइम कैसा है, फटा हुआ है, तो मैंने बोला दिस पेपर इज क्लोवन। ये फर्क है एडजेक्टिव और वर्ब के अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहां पर डाउट आया है। आप सेंटेंस बनाओगे, इसका होमवर्क मैंने आपको दिया है, फिर भी कोई डाउट लगे जरूर पूछिएगा। इस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।